हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। अभी तक दोस्तों आपको Realme 11 सीरीज में दो ही फोन देखने को मिला होगा, Realme 11 Pro और Realme 11 Pro Plus 5G। लेकिन दोस्तों आपको बहुत जल्द Realme 11 5G भी देखने को मिलने वाला है इंडियन मार्केट में। तो आज हम लोग इसी फोन के बारे में बात करने वाले हैं, क्या क्या आपको इस फोन में देखने को मिलेगा। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को आप सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस फोन का डिजाइन और लुक दोस्तों Realme 11 सीरीज के प्रो सीरीज जैसा ही है, सेम टू सेम मिलता जुलता है। लेकिन इसमें आपको दो ही कैमरा बैक साइड में देखने को मिल जाएगा, 64+2 मेगापिक्सल का, और फ्रंट में आपको पंच होल देखने को मिल जाएगा, जो दोस्तों आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों फोन का डिस्प्ले के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज का 6.43 इंच का सुपर एमोलेड देखने को मिल जाता है, यानी कि डिस्प्ले आपको बढ़िया देखने को मिलता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आपको ये फोन देखने को मिल जाएगा। साथ इसमें आपको 5000mAh की बैटरी और 33W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है दोस्तों। साथ ही परफॉर्मेंस के बारे में बात करें इस फोन का, तो यहाँ पर आपको MediaTek Dimensity 6020 देखने को मिलेगा, यानी कि ये फोन ज़्यादा हैवी गेमिंग वाला फोन नहीं रहने वाला है, यानी कि नॉर्मल गेमिंग के लिए और नॉर्मल परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट रहने वाला है। LPDDR4X का रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगा। 3.5mm हेडफोन जैक देखने को मिलता है दोस्तों, डुअल स्पीकर, डुअल माइक और 7 5G बैंड का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। SD कार्ड भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और दोस्तों इस फोन के प्राइस के बारे में बात करें तो इस फोन का प्राइस आपको 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज 16 से 17 हज़ार के बीच में रहने वाला है। और प्राइस के बारे में बात करें अगर 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाले के, तो यहाँ पर आपको 18 से 19 हज़ार के बीच में इसका प्राइस रहने वाला है। साथ ही दोस्तों अगर बात करें इस फोन के लॉन्च डेट के बारे में, तो ये फोन दोस्तों सितंबर के फर्स्ट वीक तक लॉन्च हो सकता है, अगस्त तक तो इसका कोई भी चांस नहीं है। साथ ही दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोई भी शिकायत हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।